नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंपैक्ट होने वाले हैं कल के आरबीआई बैन के बाद। तो आपको याद होगा दोस्तों, अप्रैल 6 को जो है आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने बैंक्स को मना किया था क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को सर्विसेज देने से, और बेसिकली बैंक्स को 3 महीने का समय दिया गया था कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के साथ अपने सारे जो लिंक्स है वो तोड़ लें। तो 3 महीने जो है वो कल खत्म होने जा रहे हैं, यानी कि जुलाई 5 को। तो उसके बाद जो है मोस्ट एक्सचेंजेस पे INR डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स जो है वो बंद होने वाले हैं। तो आज ही जो है ज़ेप्पे ने एक अपडेट किया, एक ट्वीट किया था उन्होंने, और उन्होंने उसमें यह बताया है कि INR डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स जो है अभी फिलहाल ज़ेप्पे ऐप पे पॉज हो चुके हैं, यानी कि आप ज़ेप्पे पे पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, ना ही विड्रॉ करके उसे अपने बैंक अकाउंट पर वापस लेके जा सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कॉइन टोकन डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स अभी भी शुरू हैं, यानी कि अगर आप कहीं और से कॉइन्स ज़ेप्पे की तरफ लेके आना चाहते हैं या ज़ेप्पे से कहीं और आप कॉइन्स भेजना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिप्टो रुपी एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर इज ऑल्सो ऑन, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं तो उसे आप INR में कन्वर्ट करके रख सकते हैं अपने ज़ेप्पे के INR वॉलेट पर, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। तो क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर भी अवेलेबल है ज़ेप्पे पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कई लोगों को आशा ये थी कि कल जो IMI ने एक रिट पिटिशन किया था सुप्रीम कोर्ट में कि RBI के ऑर्डर के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी जो है बड़ा हियरिंग होने वाला जुलाई 20 को। संदीप गोयंका जी जो को फाउंडर है ज़ेप्पे के, उन्होंने एक ये भी ट्वीट किया था कल कि वो एक कोर्ट में वो कोशिश करेंगे कल की एक स्टे ऑर्डर आ जाए। तो देखते हैं संदीप गोयंका जी का एफर्ट काम आता है कि नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जुलाई 20 होगा वो मेन डेट जो डिसाइड करेगा क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इंडिया में। साथ ही साथ कॉइनोमी ने भी एक अपडेट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं INR डिपॉजिट्स टू स्टॉप इफेक्टिव 3rd जुलाई, यानी कि कल जो है डिपॉजिट्स बंद हो चुके हैं कॉइनोमी पे, और विड्रॉल्स जो है आज रात को 12 बजे मतलब 11:59 को जो है वो बंद हो जाएंगे। तो अगर आप कॉइनोमी से विड्रॉ करना चाहते हैं दोस्तों, तो अभी भी आपके पास कुछ घंटे का समय होगा जब आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अमाउंट पहले आप विड्रॉ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पहले आप विड्रॉ न करें, क्योंकि अगर बीच में कहीं अटक गया आपका ट्रांजैक्शन तो आप अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, एक छोटा अमाउंट पहले विड्रॉ करके देखिएगा कि वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है कि नहीं, और अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कंटिन्यू मत कीजिएगा उस ट्रांजैक्शन को। लेकिन साथ ही साथ कॉइनोमी ने यह भी कहा है कि रिक्वेस्टिंग ऑल कॉइनोमी कस्टमर्स नॉट टू पैनिक सेल, योर क्रिप्टो एसेट्स विल कंटिन्यू टू रिटेन वैल्यू एज पर ग्लोबल मार्केट। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा बहुत सारे हमारे इंडियन यूजर्स ने पैनिक सेलिंग किया है इस बार, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। जब अप्रैल 6 को RBI का ऑर्डर आया था तो बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग की थी, इंडियन मार्केट बहुत नीचे गिर गया था कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट, लेकिन अभी भी जो है जो प्राइसेज हैं बिटकॉइन की जो अवेलेबल है ज़ेप्पे पे, रफली जो है 4,36,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था ज़ेप्पे पे मैंने जब लास्ट चेक किया था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी जो है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 4,60,000 के आसपास ही चल रहा है। तो आसपास ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये अच्छी बात है। मुझे इससे ये पता चलता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसका सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा, और ऐसा इंडियन इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद है, इसलिए जो है इंडियन इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग किया नहीं है और मैं बहुत खुश हूं इस वजह से। अब चलते हैं बिटबीएनएस की ओर। तो बिटबीएनएस ने इसके बारे में कोई ऐसा अपडेट किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक बात बोला था, यहां पे मैं आपको उनका एक ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने ये बोला था कि बिटबीएनएस हैज कंफर्म्ड द एक्सचेंज विल कंटिन्यू बोथ INR डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स आफ्टर जुलाई 5th 2018। तो ऐसा कॉइन क्रंच ने ट्वीट किया था और बिटबीएनएस ने उसे रीट्वीट किया है, तो देखना पड़ेगा बिटबीएनएस का अरेंजमेंट क्या है। अभी तक क्लैरिटी नहीं है ये बिटबीएनएस से कि कैसे वो INR डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स कंटिन्यू रखने वाले हैं जुलाई 5th के बाद, क्योंकि मोस्ट बैंक्स जो है वो RBI के अंडर आते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है जो RBI के अंडर आता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने ऐसा कोई अरेंजमेंट किया है या कोई और अरेंजमेंट वो प्लान कर रहे हैं, वो तो मुझे पता नहीं, हो तो कल जब उनसे क्लैरिटी आएगी तभी हमें पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है फिलहाल अपने यूजर्स को, उन्होंने अश्योर किया है कि INR डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स कंटिन्यू रहेंगे जुलाई 5th के बाद भी। तो देखना पड़ेगा कि बिटबीएनएस का क्या प्लान है। अब चलते हैं WazirX की तरफ। तो WazirX ने एक P2P ट्रांसफर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, उसे ऊपर आप सजेशन बॉक्स में देख सकते हैं और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो P2P ट्रांसफर जो है वो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा, मुझे लगता है कल या परसों तक ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाना चाहिए। तो P2P में ऐसा होता है दोस्तों कि आप जो है इंडिविजुअली बायर और सेलर को वो कनेक्ट करता है WazirX प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो WazirX जो है एक एस्क्रो अकाउंट में क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करके रखता है जब किसी सेलर को बेचना होता है, और जब उसे पैसे आ जाते हैं बायर से उसके बाद ही जो है वो
क्रिप्टो एसेट्स को रिलीज करता है। तो एक तरीके से वजीरएक्स जो है एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन का काम करता है जो प्रोटेक्ट करता है आपके क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को। तो ये देखना पड़ेगा कैसे ये काम करता है, क्योंकि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी वो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर सेलर के पास पैसा आ गया और उन्होंने मना कर दिया कि पैसे मेरे पास पहुंचे ही नहीं है, तो कैसे वजीरएक्स उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगा। तो ऐसे कोई क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स ने भी मुझसे पूछा है। तो वजीरएक्स मुझे लगता है इन सब की क्लैरिटी डेफिनेटली लाएगा जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, और जब हम इस पर ट्रेड करके देखेंगे तो पता चलेगा कैसे होगा। लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि पीयर टू पीयर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो डायरेक्टली एक यूजर को दूसरे यूजर से कनेक्ट किया जाएगा जिसको भी बाय सेल करना होगा। तो अच्छा ऑप्शन है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे लीगल तरीका है जो वजीरएक्स ने निकाला है। ऐसा ही एक सिमिलर प्लेटफॉर्म जो है कॉइनेक्स भी लॉन्च कर रहा है। कॉइनेक्स का उस प्लेटफॉर्म का नाम है लूप, तो वो भी जो है पीयर टू पीयर टोकन ट्रांजेक्शन नेटवर्क है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है वजीरएक्स जैसा ही। तो कॉइनेक्स लूप बीच के बारे में भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, क्यूरियस थे, और देखना पड़ेगा जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है दोनों प्लेटफॉर्म हम टेस्ट करके देखेंगे, कॉइनेक्स लूप को भी देखेंगे, वजीरएक्स को भी देखेंगे, और देखेंगे कितना सीमलेसली जो है ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कॉइनेक्स लूप डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। कॉइनेक्स में यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, अच्छे खासे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है पीयर टू पीयर जो ट्रांजैक्शंस हैं मुझे लगता है कॉइनेक्स में बहुत सक्सेसफुल होने के चांसेस है। लेकिन ऑब्वियसली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा दोनों एक्सचेंजेस पर। साथ ही साथ कॉइनडेल्टा ने भी एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन की बात की है, तो वो उन्होंने फ्लक्स नाम का एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म निकाला है, वो भी एक पीयर टू पीयर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो फ्लक्स भी उसी तरीके का काम करेगा जैसा कॉइनेक्स और वजीरएक्स कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि तीन एक्सचेंजेस अब हमारे पास है, वजीरएक्स, कॉइनेक्स और कॉइनडेल्टा, और पहले भी लोकल बिटकॉइन और पैक्सफुल नाम के भी दो एक्सचेंजेस थे जो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग लेके आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आखिरी में बात करते हैं यूनोकॉइन के बारे में, जिन्होंने फिलहाल कोई अपडेट किया नहीं है, तो हम रुके हैं यूनोकॉइन से एक अपडेट के लिए, देखते हैं यूनोकॉइन क्या बोलता है। क्या यूनोकॉइन के भी जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं उन्हें सर्विसेज देना बंद कर देंगे? फिलहाल उनसे कोई ट्वीट आया नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने जो है कुछ कॉइन्स वगैरह भी ऐड किए थे रिसेंटली, लेकिन उनसे कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि कैसे वो आरबीआई के बैन के बाद अपने INR डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को हैंडल करेंगे। तो आई होप ये वीडियो अपडेट आपको अच्छा लगा दोस्तों, यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, दो क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर हैंडल है, यहां पे आप मुझे फॉलो करें, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं दो क्रिप्टो दोस्त @gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच।